नमस्कार। अ वेरी कॉमन मिथ अबाउट प्रेगनेंसी इज डू आई हैव टू ईट फॉर टू। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जस्ट बिकॉज आप प्रेग्नेंट हैं या एक बेबी आपके अंदर ग्रो कर रहा है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपको अपने खाने की मात्रा यानी कि क्वांटिटी बढ़ानी है या डबल करनी है। इनफैक्ट ऐसा वेरी मच पॉसिबल है कि पहले 3 महीने जो आपके प्रेगनेंसी के हैं उसमें आप जितना आप प्रेगनेंसी से पहले खाती थी उतना भी आपसे ना खाया जाए। दैट इज़ वेरी मच ओके, डोंट वरी अबाउट इट। इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप प्रेग्नेंट होते सार अपनी डाइट डबल अप कर लें। येस ऑफकोर्स, इतना ज़रूर देखिए कि वेन यू आर प्रेग्नेंट यू शुड इन्श्योर कि आप जो खा रही हैं वो एक न्यूट्रिशियस डाइट हो, एक बैलेंस्ड डाइट हो। पहले 3 महीने में डोंट फोर्स योर सेल्फ, अगर आपसे ज़्यादा नहीं खाया जा रहा या कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आपसे टॉलरेट नहीं हो रही, किसी की स्मेल आपको तंग कर रही है या कुछ खाने से आपको वॉमिट आ रही है, बी रेस्टफुल, दैट्स वेरी मच ओके। और मोस्ट प्रॉबली 3 मंथ्स कंप्लीट होते ही ये सब सिम्टम्स चले जाएंगे और ग्रेजुअली आपकी एपेटाइट, आपकी खाना खाने की क्षमता बेटर होती जाएगी। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि आपकी डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बैलेंस्ड मात्रा में ज़रूर हो। जैसे कि सी टू इट दैट डेली आप कोई ना कोई फ्रूट की सर्विंग ज़रूर लें, कुछ ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें, मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी आपको पसंद हो वो अपनी डाइट में इंक्लूड करें। प्रोटीन्स के लिए आप चने, सोया, पनीर और नॉन वेजिटेरियंस एग, चिकन, फिश, ये सब थोड़ी थोड़ी अपनी डेली डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें ताकि आपकी डेली डाइट एक बैलेंस्ड डाइट हो, ना कि क्वांटिटी में आपको डबल खाना ज़रूरी है। सो ज़्यादा खाना ज़रूरी है प्रेगनेंसी में, ये कम्प्लीटली एक मिथ है।